हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम एंड डेंसर टू रेयरर मीडियम, डायग्राम के साथ इसको समझेंगे, थर्ड में क्यों होता है बेंडिंग ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन, फोर्थ में टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बिल्कुल बेसिक से। चलिए शुरू करते हैं। कॉपी और पेन लेकर आप तैयार हो जाइए और इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में ट्रैवल कर रहा है। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ड्रॉ किया गया, उसको ध्यान से देखिए। जब लाइट एयर से ग्लास में एंटर करता है तो ग्लास में पहुंचते ही वह नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब दूसरे केस को समझते हैं। जब लाइट डेंसर टू रेयरर मीडियम मीन्स ग्लास से एयर में ट्रैवल करता है तो वह नॉर्मल से दूर जाता है, मीन्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। एग्जांपल के लिए अभी आपने देखा ग्लास से एयर में और एयर से ग्लास में, यहाँ पे वाटर लिखा है लेकिन आप उसको ग्लास अभी कंसिडर करके चलिएगा। इसको पढ़ते समय नोट्स जरूर बनाते चलिएगा और साथ में डायग्राम ड्रॉ करते हुए भी समझना है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर और रेयरर टू डेंसर मीडियम। एयर रेयरर मीडियम है और वाटर डेंसर मीडियम है, तो लाइट जब एंटर करता है एयर टू वाटर तो वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड कर जाता है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर यहाँ पे डेंसर मीडियम है और एयर रेयरर मीडियम, सो इस केस में क्या होगा, जब लाइट एंटर करेगा डेंसर टू रेयरर मीडियम वो नॉर्मल से अवे चला जाता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। थर्ड केस इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट व्हेन इंसिडेंट नॉर्मली। सो इस केस में होता क्या है कि जब लाइट को इंसिडेंट करते हैं नॉर्मली ऑन द सर्फेस, इट पासिस अनडेविएटेड, दैट इज नो बेंडिंग एट द सर्फेस। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण क्या हैं। इस बात को हम लोग समझ चुके हैं कि लाइट जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करता है तो वह नॉर्मल की तरफ बेंड करता है या फिर नॉर्मल से दूर जाता है, लेकिन ऐसा होता क्यों है इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। रिफ्रैक्शन का कारण है स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। वैक्यूम और एयर में लाइट ट्रैवल करता है 300,000 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से, वाटर में 225,000 किलोमीटर पर सेकेंड और ग्लास में 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड से। तो जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में अगर एंटर करता है तो उसका स्पीड 300,000 से सडनली 200,000 हो जाता है किलोमीटर पर सेकेंड, तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाता है। और जैसे ही लाइट ग्लास मीडियम से एयर मीडियम में ट्रैवल करता है तो 200,000 किलोमीटर पर सेकेंड से उसका स्पीड 300,000 किलोमीटर हो जाता है, सडनली राइज करता है, स्पीड अप होता है, तो उस केस में वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मूव कर जाएगा। अब इस पॉइंट को लाइट जो ट्रैवल कर रहा है और स्लो डाउन हुआ जिसके चलते बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, और लाइट स्पीड अप हुआ जिसके चलते बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और लर्न कर लीजिए। और ये थर्ड केस है जब लाइट को इंसिडेंट किया गया था नॉर्मली ऑन द सरफेस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, तो इसमें कोई बेंडिंग नहीं हुआ था, लाइट बेंड नहीं किया था, ये हम लोगों ने देखा। तो इसमें हुआ क्या, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस बट डायरेक्शन ऑफ लाइट डज नॉट चेंज। डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ, स्पीड चेंज हुआ, डिक्रीज हुआ, और एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 डिग्री, जिसको हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। जनरली यहाँ पे स्टूडेंट्स को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस में कन्फ्यूजन होता है, तो ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले डायग्राम के राइट साइड में देखिएगा जहाँ पे लिखा है सब्सटेंस वन एंड टू, और वो बाउंड्री वहाँ से लाइन आता हुआ लेफ्ट साइड में लिखा है बाउंड्री, और ये इसके लेफ्ट साइड में लिखा है बाउंड्री जो सेपरेट कर रहा है दो मीडियम को, एक तरफ हो सकता है एयर हो, दूसरे मीडियम में वाटर हो। ऊपर में जो रेड लाइन है दैट इज़ इंसिडेंट रे, और नीचे जब वाटर में या किसी अदर मीडियम में लाइट एंटर किया है दिस रे इज़ रिफ्रैक्टेड रे, और वो डॉटेड लाइन इज कॉल्ड नॉर्मल। तो तीन पॉइंट हो गया, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल।
अब ध्यान से देखिएगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। और नीचे नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल का बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और थोड़ा डिटेल समझते हैं। एग्जाम्पल को देखिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ये सिंबल है उसका म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ओके। नाउ डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल देखा था ग्लास वाला। उसी तरीके से आप वाटर का फाइंड कर सकते हो, डायमंड का फाइंड कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला और डेफिनेशन आप लोग लिख कर याद कर लीजिए। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर गिवन है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड ग्लास इज 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज यूज फॉर्मूला स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 2×10⁸। सो 10⁸ कैंसिल आउट, 3/2 इज इक्वल टू 1.5। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसको याद भी रखिएगा। इन सेम वे द सेकेंड एग्जाम्पल इज स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज 2×2.25×10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वी हैव टू फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 2.25×10⁸। इसको जब आप सॉल्व करेंगे सो 4/3 इज इक्वल टू 1.33। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। वो म्यू ऑफ वाटर लिखा हुआ, म्यू मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वो सिंबल है। इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा, एयर से लाइट वाटर में एंटर कर रहा है। पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू वन है और एन वन इसको लिख दिया, दूसरे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू टू है। सो इन जनरली एक फॉर्मूला हमें मिलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन, वो जो लेफ्ट साइड में लिखा है उसको ध्यान से पढ़िएगा, इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। तो स्पीड से रिलेटेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटेड है साइन थीटा से भी, एंगल ऑफ इंसिडेंस से भी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से भी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी, जो कि हम लोग बाद में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो लेक्चर इज लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। वी हैव टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एज यू ऑल नो। फर्स्ट वन इज द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द गिवन मीडियम ऑल लाइज इन द सेम प्लेस। यहाँ पर रिफ्लेक्टेड लिखा है, इसको आप कट करके रिफ्रैक्टेड कर लीजिएगा। एंड द सेकेंड वन इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन तो चलिए सिंपल है, इजी है, लेकिन सेकंड लॉ थोड़ा सा डिफरेंट है। सो इसमें साइन आई टू द साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड दिस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद वन, मतलब लाइट टू में एंटर किया पहले वाले से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। सो थैंक यू।